हरे कृष्णा। दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों, आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। पति के शरीर का कौन सा अंग पत्नी के लिए महत्वपूर्ण है? मित्रों, प्राचीन समय की बात है। देवपुरी नगरी में ज्ञानसेन नाम का राजा राज्य करता था, जिसका कोई संतान नहीं था। एक दिन राजा देवी माँ से पुत्र की प्राप्ति हेतु मन्नत मांगी। देवी माँ की कृपा से राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे राजा बहुत खुश हुआ। और फिर राजा ने नगर में एक बड़ा सुंदर सा देवी माँ की मंदिर बनवाया। धीरे धीरे राजा का पुत्र जवान हो गया और मंत्री के पुत्र के साथ उसकी गहरा मित्रता थी। उधर राजा बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत बहुत खराब हो गया और राजा मर गया। राजा के मरने के बाद राजकुमार को उस राज्य का राजा बना दिया गया। एक दिन राजकुमार और उसके मित्र महल के अंदर बहुत दिनों से बंद पड़ा एक कमरे में को खोला तो देखा कि कमरे की दीवार पर तरह तरह की राजकुमारियों की सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। उनको देखते देखते राजकुमार की नज़र एक तस्वीर पर टिक गई। फिर राजकुमार ने मंत्री को बुलाकर पूछा कि ये सुंदर मोहिनी तस्वीर किस देश के राजा की बेटी है। मंत्री ने बताया कि राजकुमार, ये पिंगल द्वीप के राजा की बेटी है। इसका नाम सोमवती है। इसके रूप गुण की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इनसे विवाह करने के लिए अनेकों राजकुमार गए, पर कोई वापस लौट कर नहीं आए। फिर राजकुमार मंत्री से कहने लगे कि मैं विवाह इसी राजकुमारी से करूंगा, वरना जीवन भर कुंवारा रहूंगा। मंत्री ने राजकुमार को समझाया कि पिंगल द्वीप पहुँचना कोई आसान काम नहीं है, समुंदर को लांग कर ही वहाँ जाया जा सकता है, और यदि वहाँ किसी तरह से पहुँच भी गए तो राजकुमारी तक नहीं पहुँच पाओगे। ऐसा असंभव काम को करना मूर्खता होगी। मंत्री के बार बार समझाने पर भी वे नहीं माने और मंत्री के पुत्र, जो उसके गहरा मित्र था, को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर दोनों पिंगल द्वीप के लिए चल दिए। और जाते जाते नगर के देवी माँ के मंदिर में मन्नत मांगा कि यदि मैं राजकुमारी सोमवती से विवाह करने में सफल हुआ तो मैं आपके सामने अपनी बलि दूंगा। फिर चलते चलते पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई तो उन्होंने एक बाग में अपने घोड़े बांध दिए और रात बिताने के लिए उसी बाग पर रुक गए। आधी रात का जब समय हुआ तो देखा कि एक परियों का विमान उस बाग में उतरा। परियों की रानियों ने जब दो युवकों को उस बाग में लेटे हुए देखा तो परियों की रानी राजकुमार पर मोहित हो गई। फिर परियों ने उन दोनों को उठवा लिया। उन्होंने अपने आप को परियों से घिरा पाया तो डर गए और हाथ जोड़कर बोला कि हे परियों की रानी, हमें यहाँ से जाने दीजिए। रानी परी कहने लगी, चले जाना, लेकिन जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। मित्रों, राजकुमार कहने लगे कि हे परियों की रानी, हम एक आवश्यक काम की पूर्ति हेतु घर से निकले हैं। यदि वो काम सफल हो जाता है तो हम तुमसे विवाह अवश्य करेंगे। रानी परी पूछने लगी, क्या आवश्यक काम है तुम्हारा? राजकुमार ने कहा कि हम पिंगल द्वीप की राजकुमारी सोमवती से विवाह करने जा रहे हैं। यदि हम अपने काम में सफल हुए तो मैं आपको वचन देता हूँ कि लौटते समय मैं आपसे विवाह अवश्य करूँगा। तब परी रानी कहती है कि हे राजकुमार, पिंगल द्वीप तक पहुँचना मनुष्य की बस की बात नहीं है। पिंगल द्वीप की राजकुमारी को बिना दैवीय शक्ति के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए परी रानी ने अपना विमान और एक अंगूठी उन्हें दिया और कहा कि तुम इस विमान की सहायता से पल भर में पिंगल द्वीप पहुँच जाओगे, और जब तक यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी तब तक कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, ना किसी का जादू टोना तुम पर असर करेगा। अंगूठी और विमान देकर परिया आकाश में उड़ गई और राजकुमार और उसका मित्र विमान में बैठकर पिंगल द्वीप को चले गए। वहां पहुंचने पर अंगूठी राजकुमार ने पहन ली और विमान मंत्री के पुत्र के पास रख लिया। फिर जब दोनों सोमवती के शहर में पहुंची तो शहर का जो मुख्य द्वार था वहाँ एक बुढ़िया का झोपड़ी देखा तो राजकुमार ने सोचा कि बुढ़िया के झोपड़ी पर जाकर कुछ जलपान किया जाए। राजकुमार को
यहाँ नहीं पता था कि बुढ़िया एक जादूगरनी है और बाहर से आए अतिथि को जलपान कराकर उस पर जादू चलाकर उसे लूट लेती है। राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर जो भी राजकुमार वहाँ आता है वो बुढ़िया उस पर जादू चलाकर उसे लूट कर अपनी जादुई शक्ति से उसे कीड़े मकोड़े बनाकर दीवार पर चिपका देती है। इसलिए आज तक कोई भी राजकुमार पिंगल देव की राजकुमारी तक नहीं पहुंच सका। सारे राजकुमार जादूगरनी बुढ़िया के यहाँ कीड़े मकोड़े बनकर दीवार पर चिपके हुए हैं। उस बुढ़िया की हाव भाव देखकर मंत्री के पुत्र को कुछ संदेह हुआ तो उसने राजकुमार से कहा कि मित्र तुम जाओ जलपान कराओ, मैं यहाँ खड़ा तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजकुमार जब उस बुढ़िया के पास पहुँचा और जलपान किया तो बुढ़िया ने अपना जादू चलाया। उसके जादू ने राजकुमार पर कोई असर नहीं किया क्योंकि परी की दी हुई अंगूठी राजकुमार पहना हुआ था। बुढ़िया एकदम समझ गई कि जरूर इसके पास जादू को काटने वाली कोई चीज है। फिर बुढ़िया राजकुमार से मीठे मीठे बात कहकर गले से लिपट गया और बातों ही बातों में तुष्ट बुढ़िया ने राजकुमार की उंगली से अंगूठी निकाल ली और उसे कीड़ा बनाकर दीवार पर चिपका दिया। काफ़ी देर के बाद भी जब राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के पुत्र को संदेह हुआ कि जरूर उस बुढ़िया ने उसे गायब कर दिया, यदि मैं भी गया तो कहीं मुझे भी गायब ना कर दे। यह सोचकर मंत्री का पुत्र विमान में बैठकर वहाँ से लौटकर उसी परियों वाले बाग में चला आया और रात्रि में जब परिया आई तो उन्हें सारी बातें बताई कि पिंगल द्वीप में एक बुढ़िया राजकुमार को गायब कर दिया। परियों की रानी ने जब देखा तो सारा रहस्य समझ गई। उसने बताया कि उस जादूगरनी बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली, इसलिए उसने अपने जादू से उसे कीड़ा बनाकर दीवार में चिपका दिया। अब तो एक ही उपाय है कि समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ पर एक पिंजरा टंगा है, उस पिंजरे में एक तोता बंद है। उस तोते के अंदर उस जादूगरनी बुढ़िया के प्राण हैं। तुम उस तोते को मार डालो तो बुढ़िया अपने आप मर जाएगी। मित्रों, परी के बताए अनुसार मंत्री का पुत्र विमान में बैठकर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और उस पिंजरे को उतार लाया। पिंजरे में बैठी तोते की गर्दन को मरोड़ दिया तो वैसे ही बुढ़िया की गर्दन मरोड़ गई। फिर मंत्री का बेटा उस बुढ़िया के झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि बुढ़िया मरी पड़ी है। उसने तुरंत उसके हाथ से अंगूठी निकाली तो राजकुमार ठीक होकर दीवार से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने अब तक जिन जिन राजकुमार को कीड़ा मकोड़ा बनाया था वो भी सभी ठीक हो गए। उन सभी ने मंत्री के बेटे को आभार प्रकट किया और धन्यवाद दिया और फिर वे सभी राजकुमार को लेकर राजकुमारी सोमवती के द्वार पर पहुंच गया और बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमार का विवाह राजकुमारी सोमवती से हुआ और अपने देश को लौट आए। वचन के अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी और मित्र को लेकर सीधे मंदिर पहुंचा। मंदिर के नज़दीक पहुंचकर अपनी पत्नी और मित्र को वहीं रोक दिया और अकेला ही मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में जाकर तलवार से अपने शीश काट कर देवी माँ को चढ़ा दिया। काफ़ी देर के बाद भी जब वो मंदिर से लौट कर नहीं आया तो उसका मित्र उसे देखने को गया। वहाँ पहुंचकर मित्र का कटा हुआ सिर देखकर वह घबरा उठा। उसने सोचा कि ये दुनिया तो समझेगा नहीं कि इसने अपना शीश स्वयं चढ़ाया है, सब यही कहेंगे कि राजकुमार के सुंदर स्त्री को देखकर मंत्री के बेटे की नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने ही अपने मित्र को हत्या कर दिया। इससे तो अच्छा है कि एक कलंक लगने से पहले अपना सिर काट दूं। इतना कहकर मंत्री के बेटे ने भी तलवार से अपना सिर धर से अलग कर दिया। काफ़ी देर के बाद जब मंत्री का बेटा लौट कर नहीं आया तो राजकुमारी सोमवती स्वयं उन्हें देखने के लिए गई। वहाँ का नज़ारा देखकर वो भी हैरान थी। उसके पति और मित्र के सर कटे पड़े थे। सोमवती सोचने लगी कि दुनिया वाले मुझे हत्यारे समझेंगे, मुझ पर कलंक लगाएंगे कि जरूर इसका किसी पर पुरुष से संबंध होगा, इसलिए इसने अपने पति और मित्र की हत्या कर दी। एक कलंक लेने से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। उतना कहकर उसने तलवार से जैसे ही अपना शीश काटना चाहा, देवी तुरंत प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़कर कहा, पुत्री ठहरो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कि तुम अपने पति के लिए अपना शीश दे रही हो। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम वरदान मांगो, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगी। राजकुमारी कहने लगी, हे माँ, मेरे पति और उसके मित्र को जीवित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी ने कहा, पुत्री मैं इन दोनों को अभी जीवित कर देती हूँ, तुम इन दोनों के सिर को उठाकर इसके धरों से मिलाकर रख दो। तो राजकुमारी सोमवती ने वैसा ही किया।
लेकिन राजकुमारी सोमवती जल्दबाजी में उसने एक का सर दूसरे में मिला दिया। फिर देवी ने उन दोनों को जीवित कर दिया और देवी अदृश्य हो गई। फिर राजकुमारी सोमवती ने देखा कि ये क्या हो गया, मेरे पति के धर पर मंत्री के बेटे का सिर जुड़ गया, अब क्या करूँ, किसे अपना पति स्वीकार करूँ। सोमवती दुविधा में पड़ गई। अब वे दोनों उस स्त्री के लिए झगड़ने लगे। एक कहता है ये मेरी स्त्री है, दूसरा कहता है ये मेरी स्त्री है। अब वे झगड़ा करते हुए फैसला कराने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। तो राजा विक्रमादित्य ने समझाया कि देखो, नदियों में उत्तम गंगा है, पर्वतों में उत्तम सुमेरु पर्वत है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख सिर है। दोनों हाथ नहीं रहने से भी आदमी जिंदा रह सकता है, दोनों पैर नहीं रहने से भी मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन यदि सर ना हो तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। इसलिए जिस धर पर राजकुमारी के पति का शीश है वही उसका पति है। सर्वप्रथम वर का मस्तक ही पूजा जाता है, इस हिसाब से भी वो उसे पति स्वीकार कर सकती है, सिर के बिना कुछ नहीं है। अब सोमवती ने जिस धर के ऊपर अपनी पति का शीश रखा था उसे ही अपना पति मान लिया। उधर राजकुमार के शरीर पर मंत्री के पुत्र का शीश रखा था तो उसने जाकर परी रानी से अपना विवाह कर लिया। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों अपने नगर लौट आए। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताना। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। जय श्री कृष्णा।